को अनटिक करना है, ठीक है। ये लिंक खत्म हो जाएगी, आप फिर से जुड़ जाना सब लोग, ठीक है। सर कस्टमर करनी है, कस्ट फाइल CUST। हाँ सर जी, क्या क्या एक मिनट क्या है जहूर, बोलो सर। ये कस्ट फाइल मैं भूल गया था। अरे जहूर पूछा तो जहूर बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। एक मिनट, हाँ क्या है? हाँ सर, लो लिंक ही चलेगी। Recording in progress. Recording stopped. जेंटिल, दोनों में से जेंटिल कौन है? दो लोग बैठे हुए रहते हैं हमेशा, मेरे को समझ में नहीं आया जेंटिल कौन है। अच्छा ऐसा है क्या? सर ये वो वाला ऑफर है, बाय गेट वन गेट फ्री। साथ में जो तुम्हारे है वो तुम्हारे भाई है, कोई दुकान के पार्टनर है, दोस्त है? हाँ जेंटिल भाई है, भाई है वही। साथ में देखो दुकान पे साथ में करते हो, साथ में क्लास भी पढ़ रहे हो, साथ में बेड भी साथ में ही हो, इसलिए पूछा कि भाई जैसे ये रिलेशन लग रहा है। चलो अच्छी बात है। जहूर कुछ पूछ रहे थे आप, ही बोलना, बाकी सब माइक बंद करिए। क्या पूछ रहे थे जहूर, बोलिए। सर ये कस्ट फाइल जो था ना, इसके बारे में पूछ रहा था। ये आपने पिछली बार बताया था लेकिन मैं भूल गया हूँ। क्या चीज कष्ट का गया? कष्ट का बोल रहे थे ना कुछ, वो शायद मेरा वो टूल डीएल इमेज आपने कहा था UMT से वो करने को, लेकिन वो उससे भी नहीं हुआ। हाँ कष्ट का काम पूछ रहे हो आप कि इसका काम क्या है? जी जी, जो आपका वो जो स्क्रीन पे लिखकर आता है टूल डीएल इमेज फेल आता है, या फिर ओप्पो में डाउनलोड नॉट कम्प्लीटेड लिखकर आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कष्ट फाइल से सॉल्व होने वाला काम है। अब MI के अंदर हम ये अनटिक करके फ्लैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि MI को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके लिए हम MI के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपने दूसरे फोन के लिए नहीं करना, ना ओप्पो ना वीवो ना रियलमी या ना अदर ब्रांड के लिए, सिर्फ MI को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जब हम UMT से वो लिनोवो का, जब आप क्या UMT से करते हो तो सब कुछ फाइल को राइट कर देता है, कोई फाइल को अनटिक नहीं करना, सारे आप हो जाएंगे। लेकिन वो लिनोवो का जैसा ना सर, एक मिनट एक से बोलो, क्या बोले जहूर? सर वो लिनोवो का मैं बोल रहा था ना, वो आपने कहा था UMT से करने को, लेकिन वो उससे भी नहीं हुआ। अरे UMT में वन क्लिक ऑप्शन है ना, उसमें तो डायरेक्ट टूल डीएल इमेज फिल का डायरेक्ट ऑप्शन है, आपको फाइल डालने की जरूरत नहीं है, आप वन क्लिक लगाकर फ्लैश को राइट कर दो। सर टूल डीएल इमेज का जो ऑप्शन आता है ना उसमें UMT में, हाँ उससे भी नहीं हुआ। तो एक बार ना आपने क्या करना, सुनिए, फुल फ्लैश करके देखिए आपने। हाँ सर, दो बार तीन बार अलग अलग फ्लैश फाइल से, ठीक है। तो एक बार EMMC से फाइल, एक बार आप EMMC निकालकर हेल्थ चेक करो, हो सकता है जो आप प्रोसेस कर रहे हो फ्लैशिंग वगैरह जो भी कर रहे हो वो फेक में चले जा रहा है, ठीक है। वही तो सर, ये UFI तो नहीं है ना, मैं इसलिए चुप बैठा हूँ, UFI क्लास में ना मैं बिल्कुल खामोश। अरे तो खामोश होने का काम नहीं है, लेकर आपने काम शुरू करने वाला काम है। अभी क्लास ले रहे हो तो खामोश होने के लिए थोड़ी ले रहे हो, मार्केट में धूम मचाने के लिए कर रहे हो। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
ठीक है सर, अभी तो यहाँ में कश्मीर में तो नहीं मिल रहा है ना, बाहर से मंगा रहा हूँ, उसको टाइम लगता है। ठीक है मंगा लो, दिल्ली तो आपको पास में पड़ता होगा, दिल्ली से मंगा लो तो 4-5 दिन लगते हैं सर। चलो ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, गौरव जल्दी बोलिए, आगे भी बढ़ना है मेरे को, जल्दी बोलिए। सर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सर उसमें तो नहीं कोई सिस्टम है ना अनटिक वगैरह करना, किसमें फाइल का, किससे किससे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, IEMC उतार के करते हैं, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप सारे फाइल लगाकर फ्लैश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट हो जाएगा। ओके ठीक है, ये दिक्कत खाली SP टूल का है, बस SP टूल में ही ये प्रॉब्लम है। ठीक है ओके, बाकी कोई भी टूल से करो आप, UEFI से करो, UMT से करो, अनलॉक टूल से करो, MMC निकाल के करो या बिना MMC का भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फाइल राइट हो गए, वो फ्री वाले SP टूल में दिक्कत है बस। ठीक है सर, थोड़ी सी एक और दिक्कत आ रही है सर, आज मैंने वीवो Y90 किया है सेट, ठीक है उसकी EMC डैमेज थी, मेरे पास एक और सेट पड़ा था। ठीक है आगे बोलो। सर उसकी मैंने डंप सारा डाल दिया, फ्लैश फाइल डाल दी सर, सीधा चला है, कोई उसमें कोई UMT से फ्लैशिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ, सीधा क्या हो गया, सीधा चल गया, ऑन हो गया। हाँ तो हो जाएगा ना, आपने उसको डंप डालकर फ्लैश किए ना वहां से, MIPS से फ्लैश किए ना आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, फ्लैश कर सकते हो, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि फ्लैश करने के बाद भी फोन ऑन नहीं होता, उसको USB से ही करना होता है, ऐसे होते हैं कुछ फोन। सर मेरे पास काफी टाइम से एक और सेट पड़ा था, मेरे पास MI7A एक और पड़ा था, मेरे पास 4-5 सेट पड़े थे। ठीक है सर, आज उसका EMC की प्रोग्रामिंग की, वही उसकी हेल्थ रिपेयर की सर, सेट ऑन हो गया, मगर उसका EMI नंबर चढ़ ही नहीं रहा, अगर चढ़ जाता है EMI नंबर तो वो फिर बाद में लोगों पे खड़ जाता है, वो लोगों पे नहीं खड़ रहता है, तुम आप उसमें ड्यूल आई में डाल रहे हो, Redmi 7A में ड्यूल नहीं डाल सकते, उसके अंदर सिंगल SIM2 का ही डालना पड़ेगा। ठीक है सिंगल का, हाँ सिंगल ही डलेगा उसमें, अभी तक रजिस्टर का उसका RSA रजिस्टर जो होता है बोर्ड ID का, वो अभी तक समझो नहीं मिला किसी को भी, और उसके ऊपर बहुत काम किया मैंने भी, बहुत ट्राई किया, लेकिन ड्यूल में काम नहीं कर रहा है वो। ठीक है हाँ, तो सर कल मैं सिंगल चढ़ा दूं, सिंगल चढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल SIM2 लगाना बस उन्नी, और उसके बाद आप ऑन कर लेना, आपका सिंगल में ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है SIM2 में हो या SIM1? नहीं 1 में नहीं डालना, SIM2 में डालेगी बस, SIM2 में हाँ, चलेगा। चलो आगे बढ़ू। ओके सर, ये आज बहुत मत्था मारा सर, बस चला ही नहीं बहुत, ये तो आप ग्रुप में भी डाले तो वहाँ 2 मिनट में रिप्लाई दे देता हूँ। क्या सर, सर ग्रुप में पता क्या होता है सर, और भी बहुत सारे होते हैं, सारे डिस्टर्ब होते हैं फिर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टर्ब के लिए थोड़ी ग्रुप है, ये सोल्यूशन के लिए ग्रुप, तो डालेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा ना, एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो पढ़ेंगे। हाँ चलो वो तो ठीक है, कर दीजिए ना ग्रुप। चले ठीक है, आगे बढ़ू, आगे हाँ जी सर, चलो चलो। यहाँ पर मैंने बाईपास कर दिया ये फोन को कनेक्ट करके, ठीक है इंजीनियरिंग डालो या कुछ भी डालो, बाईपास तो मस्ट है। चलो मैं यहाँ पर बाईपास तो कर लिया, अनटिक कर लिया कस्ट फाइल को, अब मैं यहाँ पर उसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर फोन मेरा राइट हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं चिप इन्फो मतलब ले लिया मैंने, MMC जो लगाया है वो इसको डिटेक्ट कर लिया है। तो याद रखिए जो भी आप MMC चेंज कर रहे हो और आप लगाने के बाद देख लेना फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार चिप इन्फो ले रहा है कि देख लेना, अगर यहाँ पर फोन कनेक्ट होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो समझ लेना अपने हाथ से कोई प्रॉब्लम हो गई है, मतलब MMC नहीं लगी, या हो सकता है कि CPU में से MMC लाइन ओपन हो गई, दोनों में से कोई तो भी प्रॉब्लम है। अरे यार ये सर, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तब भी इन्फो शो करेगा? एक मिनट, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर हील गया, केबल हिल चुका है मेरा, रुक गया ये, फिर लगा लेता हूँ एक मिनट, केबल हिल जाए ना तो सॉफ्टवेयर भी हिल जाता है। अभी हैंग हो चुका है, सर MMT
एमटीके में तो दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या हो गया सीपीयू एमएमसी? एमटीके में अगर मान लीजिए एमएमसी चेंज करना हुआ तो सीपीयू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमएमसी चेंज करना है तो क्या करना है, सीपीयू को चेंज करना है? नहीं, एमटीके में अगर एमएमसी चेंज करना है तो सीपीयू को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं, सीपीयू के लिए कुछ भी नहीं है, आप एमटीके का चेंज कर रहे हो ना एमएमसी, तो सीपीयू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीपीयू को चेंज करना नहीं होता। जी जी ठीक है सर। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से वापस फाइल लगा ली और एक बार इसको फर्स्ट फाइल को अनटिक कर लेना है और फिर से बाईपास पे आकर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो चुका कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको राइट कर लेता हूँ, फ्लैश पे स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर चिप इन्फो में जैसे दिखा रहे हैं ना, हाँ ये चिप इन्फो आ गया, समझ लेना अपनी एमएमसी अच्छे से लग गई है और फोन फ्लैश हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा है सर, अगर सर ये आ रहा है उसका मतलब ये हेल्थ का तब भी प्रॉब्लम कुछ हो सकता है? हेल्थ का प्रॉब्लम में एमएमसी चेंज करा ना, तो एमएमसी चेंज किया मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गया, मतलब लग गई है मेरे से ठीक से। नहीं नहीं, वो बात सही है सर, जो मुझे आ रहा था ना, मतलब जो ये टूल डीएल इमेज फेल, ठीक है। हाँ वो तो मैं ये बोला ना कि आप फ्लैश करने के बाद भी वैसे की वैसे ही हो रहा है, सेम कंडीशन में हो रहा है। आपने यूएमटी से भी उसको टूल डीएल का ऑप्शन से राइड किया फिर भी वही कंडीशन में है, मतलब जी। पेशेंट ऐसा हो चुका है कि आप कितने भी इसको मेडिसिन दे दो, कितने भी सलाइन लगा लो, वो पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है। जी जी, मतलब पेशेंट के इंटरनली पार्ट डैमेज हो चुके है, आप ऊपर से कितने भी उसको लगा लो कुछ नहीं होगा उसमें, तो पहले इंटरनली उसको रिपेयर करना होगा, तब जाकर आप उसको मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हो। नहीं मेरा मतलब ये